कैसे हो बच्चों? हम ग्रेविटेशन में पढ़ रहे थे वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। मैंने तुम्हें पहला बता दिया विथ हाइट, फिर दूसरा बताया विथ डेप्थ, उसका ग्राफ भी देख लिया हम लोगों ने। तीसरी बात मैंने जो थर्ड पॉइंट था वो न बता के फोर्थ पॉइंट पहले बता दिया, जिसमें मैंने आपको ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ बताया, जिसमें मैंने बताया कि पोल्स पे जी की वैल्यू कम होती है और इक्वेटर पे, सॉरी, पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू, देखो ना ये इक्वेटर यहाँ पे रेडियस ज्यादा होता था, आर ई ग्रेटर देन था आर सी, और मेरा जी जो होता है वो जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जहाँ का रेडियस ज्यादा होगा वहाँ का जी कम होगा, इसीलिए जी इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा। तो ये लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पे पोल से, इसी वजह से इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे स्लाइटली ग्रेटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड नंबर वाला बच गया था, विथ हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ये हो गया था। फोर्थ वाला पहले बता दिया था, थर्ड वाला बचा हुआ था। थर्ड वाला क्या है सर? आ जाओ थर्ड वाला देखते हैं, इसका डेरिवेशन सीखते हैं। डेरिवेशन बोर्ड के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो रिजल्ट आएगा उस पर न्यूमेरिकल्स जेईई मेन और नीट के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बच्चे, आज हम करने वाले हैं वो थर्ड वाला पॉइंट जो था हमारा वेरिएशन इन जी, जी बोले तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन या रोटेशन ऑफ, ओके सर। तो अपने को पढ़ना है वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओके सर, समझ गए। देखो बेटा, अर्थ में दो तरह का मूवमेंट होता है, एक है एलिप्टिकल पाथ पे कैपलर्स लॉ, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, सन के चारों तरफ प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में मूव करता रहता, तो एक ईयर एक साल में वो सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता, तो उसकी वजह से ईयर चेंज होता, हम बोलते हैं ना ईयर चेंज हुआ 365.6 आवर्स करके, है ना, 366 या 365 अप्रॉक्स पकड़ लो, चार साल में वो छः छः घंटे करके लीप ईयर आ जाता। और एक अर्थ का मोशन है खुद के एक्सिस पे रोटेशनल मोशन, जिसकी वजह से दिन रात होता है, 24 घंटे का होता है ये, 24 आवर्स का डे और नाइट। तो वो डे और नाइट वाला जो है वही यहाँ पे रोटेशनल मोशन में कंसिडर करोगे या ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ कंसिडर करोगे। तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, सुनो ध्यान से, अर्थ के रोटेशन की वजह से रोटेशनल एक्सिस पे जो 24 आवर में मूव करता है उसकी वजह से कैसे सर जी में चेंज आ सकता है, आप उसको डिराइव करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन सॉल्विंग से। देखो फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन सॉल्विंग कितना फंडामेंटल है, ग्रेविटेशन तक में आ गया, हर चैप्टर में आएगा, तुम्हें बोले कोई ना बोले वो आएगा चुपचाप, फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन सॉल्विंग चला जाएगा, अगर तुम्हारी नज़रें तीखी हैं तो तुम पकड़ पाओगे, अरे ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन एंड सॉल्विंग। तो यहाँ हम कम्प्लीटली फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन सॉल्विंग यूज करके ये डिराइव करते हैं, ओके। आप देखते हैं बच्चे, ये हमने अर्थ पकड़ लिया, ओके सर, ये उसका पोल वाला लाइन हो गया जिसके ये रोटेशनल एक्सिस हो गया, दोनों पोल को मिलाते हुए नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करता, ये तुम्हारा इक्वेटर वाला लाइन हो गया, है ना, ये इक्वेटर वाला लाइन हो गया। अब सोचो बच्चे, पार्टिकल यहाँ है तो तुम बोलोगे पार्टिकल कहाँ है, एट पोल, पार्टिकल यहाँ है तो तुम क्या बोलोगे, पार्टिकल एट इक्वेटर, लेकिन अगर यहाँ कहीं है तो वहाँ के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये यूज करते हैं। तो मान लो मेरा पार्टिकल ये थीटा एंगल से हॉरिजेंटल वर्टिकल के सर, एक वर्टिकल हो गया एक हॉरिजेंटल हो गया,
तो हमने हॉरिजॉन्टल इक्वेटर लाइन के साथ एंगल थीटा पे एक पार्टिकल कंसीडर किया, ठीक है ना, जो कि इस पॉइंट पी पे रखा हुआ है। तुम जान ही रहे हो ये सेंटर हो गया, यहाँ पे अर्थ का टोटल मास एम हो गया। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, तो समझना, ये यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाओगे रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाओ, हम स्फेरिकल नेचर का लेते हैं अर्थ को, तो रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन सर्कुलर मोशन में मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि ये जब पार्टिकल यहाँ से रोटेट करेगा ना, यहाँ इस पॉइंट वाला, तो उसके लिए रोटेशनल सर्कल ये होगा। देखो ध्यान से देख पा रहे हो, ये तो जब ये ऐसे ऐसे अर्थ रोटेट होगा ओमेगा से, तो इस पार्टिकल के लिए सोचो, इसके लिए तो इसका रेडियस रोटेशनल एक्सिस पे ही हो गया, रेडियस जीरो। इसके लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा टोटल रेडियस। लेकिन इसके लिए जब तुम किसी एंगल थीटा पे रहोगे तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो गया स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ रोटेटिंग सर्कल, ये हमारा है ना, यहाँ पे कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आर जीरो हो जाएगा। तो इस स्मॉल आर को समझ लो, मेरी बात समझो, फिर से मैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा। अगर मान लो ये पार्टिकल मेरा इक्वेटर पे है, तो ये बड़े वाले इस पे दिख रहे हो, ये बड़े से सर्कल पर मूव करेगा। अगर तुम पोल पे हो तो तुम्हारा रोटेशनल एक्सिस का सर्कल का रेडियस जीरो, लेकिन रास्ते में कहीं पे हो तो उसका स्मॉल आर कंसिडर करोगे रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें वो रोटेट कर रहा है, और ऑब्वियस है कि वो आर लेस देन होगा कैपिटल आर, ठीक है। ये आर इक्वल होगा आर कहाँ पे, इक्वेटर पे। ये आर की वैल्यू जीरो होगी कहाँ पे, पोल्स पे, और ये कहाँ पे होगा सर, तो ये होगा एट थीटा, जब किसी पार्टिकुलर थीटा पे जाओगे। इक्वेटर के लिए बोल सकते हो थीटा जीरो डिग्री होगा, थीटा जीरो डिग्री होगा। पोल्स के लिए बोल सकते हैं 90 डिग्री होगा, समझ गए। तो जीरो डिग्री पे इक्वेटर पे आर इक्वल टू आर, आर इक्वल टू जीरो, पोल्स पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये थीटा कब, जीरो से ग्रेटर और 90 से लेस। तो उस कंडीशन में हमारा ये छोटा वाला सर्कल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चे, तो समझना, ये हो गया स्मॉल आर, ये वाला हो गया तुम्हारा कैपिटल आर, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंगल थीटा है तुम्हारा, पार्टिकल यहाँ पे है, और इस सर्कल में देखो यहाँ पे सर्कल में मूव कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो तुम्हें मैंने सिखाया है सर्कुलर मोशन में, याद करो जा करके, हमने ये बहुत अच्छे तरह से सीख के रखा हुआ है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, सुडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता, तो देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, कोई भी हो, तो हम यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर ले रहे, बाहर की तरफ लग गया, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, स्कूल में पढ़े थे तो। अब समझना बच्चे, यहाँ पे है सेंटर पोल जहाँ पे मास एम है अर्थ का, है ना, ये स्मॉल एम हो गया मास ऑफ पार्टिकल। तो ये वाला जो सेंटर पे अर्थ का मास है, अर्थ का मास हमेशा सेंटर पे कंसीडर करते हैं, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, बिल्कुल सर अट्रैक्ट करेगा, कितने से अट्रैक्ट करेगा बच्चे, तो ये एम जी से, एम जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी से अट्रैक्ट करेगा, तुम जानते भी हो एम जी। और ये सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे यहाँ रखा हुआ है, तो तुम जानते हो कि जब कोई चीज़ सरफेस पे रखता है तो उस पर क्या लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल लगाएगा, ये सर समझ लो ये नॉर्मल लगाएगा, ओके बच्चे। तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ये एंगल थीटा है, तो आमने सामने का एंगल थीटा होता है, या अल्टर ऐसे देखो ना, सेम साइड के पैरेलल एंगल्स इक्वल होते, तो ये थीटा तो ये थीटा, इसके आमने सामने का एंगल तो ये थीटा हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, ये डेरिवेशन जो है वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन सॉल्विंग पे डिपेंड है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ओके बेटा। और ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, सीखने वाला है, मज़ेदार है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सीखोगे। तो ये हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम, मैं इसको और सिंपल करूँगा, कैसे सिंपल करूँगा देखो मैं बताता हूँ। ये
ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ था सर, इस पे आपने एक लगा दिया नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अच्छा ये हो गया एक्सन रिएक्शन पेयर वाला, ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसका कॉम्पोनेंट तोड़ो बेटा, ये थीटा है ना, तुम्हें कई बार मैंने सिखाया कि जो इधर थीटा है उधर कॉम्पोनेंट ब्रेक करोगे तो कॉस थीटा आएगा, सिखाया है ना, तो हमें यहाँ जरूरत है नॉर्मल के साथ वाला, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ओके सर, और इसके जस्ट अपोजिट देखो इधर सेंटर की तरफ कौन लगा था, एम जी, तो बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन बोले तो जब पार्टिकल तुम यहाँ रखे हुए हो, तो रखे हुए जैसे अभी तुम हो बैठे हुए हो, तो बैलेंस कंडीशन है, मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ बैलेंस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में mg जो है ये नॉर्मल और m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा। तो ये फिगर नोट कर चुके हो गए आई हो, नहीं तो नोट कर लो, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा पूरा हुआ, अब हम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ओके सर, तो रफ करो बच्चों, हेडिंग डाल ही चुके हो तो ऑफिस स्पेस निकालने के लिए हमने इसको इक्वेशन। अब देखो बेटा हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब फोर्स बैलेंस हो जाए, तो एम जी डाउनवर्ड था, इसने इस अकेले ने एम जी इन दोनों कंपोनेंट को, सर साइन वाला किधर गया, साइन वाला फ्रिक्शन से बैलेंस हो गया, इधर लग जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इधर लग जाएगा फ्रिक्शन, उसको छोड़ दो, हमें इन तीनों से मतलब है, तो एम जी किससे बैलेंस हो गया, नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम अगर नॉर्मल लिखें एन इक्वल टू, तो हो जाएगा एम जी ये इधर गया, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तुम ऑब्जर्व करो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इक्वेशन बना लिया, अब हम सॉल्व के तरफ बढ़ने लगे, सॉल्विंग स्टेप्स हमारे आने लगे, है ना, तो ठीक से देखना। अब ये नॉर्मल क्या है, तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा रुक के समझो, नॉर्मल क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना, हाँ, तुम जैसे कभी वेइंग मशीन पे जहाँ वजन देखते डॉक्टर के पास, कभी वजन वेइंग मशीन पे अगर तुम चुपचाप उस पर खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा वेट दिख जाता है 50-60 जो भी है दिखेगा, लेकिन अगर तुम उस वेइंग मशीन पे ऐसे करके, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे करके उस पर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओगे, समझ रहे हो, ऐसे आपने जोर से लगाया, एक्शन ज़्यादा किया तो रिएक्शन भी ज़्यादा लगेगा, तो तुम देखना तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, तुम्हारा वेइंग मशीन में वेट ज़्यादा दिखेगा, फ्लक्चुएट होगा ऐसे, समझ रहे हो क्या। एक्चुअली आपने क्या किया, जो नॉर्मल हम देखते हैं वेइंग मशीन पे खड़े होकर के, वो हमारा इफेक्टिव वेट होता है, उस पर ज़्यादा जोर लगाओगे ज़्यादा नॉर्मल बढ़ेगा तो ज़्यादा वेट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल जो है मैं इसको लिखूंगा एम, ठीक है, और जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है बच्चे कि तुमने एक्स्ट्रा कितना फोर्स लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ये नॉर्मल सर यहाँ तो हम ऐसे करके लगा नहीं रहे हैं, तुम नहीं लगा रहे हो, लेकिन अर्थ की वजह से रोटेशन की वजह से ये नॉर्मल जो है, तो इसका जी इफेक्टिव, और इसी जी इफेक्टिव को यहाँ पे हम नाम देंगे एम जी आर, आर क्यों, रोटेशन है ना बेटा, हम रोटेशन पढ़ रहे थे ना, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशन का पहला लेटर आर, इसीलिए ये एम जी इफेक्टिव जो है एन की जगह पे एट द प्लेस ऑफ एन आएगा एम जी इफेक्टिव, और एम जी इफेक्टिव को तुम बोल सकते हो एम जी आर, मतलब कि एन इक्वल टू हम यूज करेंगे एम जी आर, मास इनटू नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ के कंडीशन में आएगा। मैं फिर से एक बार सिंपली तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, ये तो तुम बहुत अच्छे से समझ गए कि हाँ सर बैलेंस कंडीशन में आया, नॉर्मल आ गया इतना, अब मैं नॉर्मल की जगह पर लिखने वाला हूँ एम जी आर इफेक्टिव, ये एम जी आर इफेक्टिव या एम जी आर, ये क्यों लिखा सर, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि यहाँ पे अर्थ की रोटेशन की वजह से तुम्हारा वेट जो है बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी हो चेंज हुआ ना, तो वहाँ पे जी इफेक्टिव रोल करता है, ऐसे समझो लिफ्ट ऊपर जाता था तो जी प्लस ए हो जाता था, याद करो ना, लिफ्ट ऊपर जाता था तो जी प्लस ए लिफ्ट, अब जब तुम लिफ्ट में रहोगे, थोड़ा सा पुराने ये सिखाया है मैंने,
ये एम है, तुम ऊपर जा रहे हो इसे, तो तुम्हारा यहाँ पे वजन हो जाएगा एम जी प्लस ए, यही लिफ्ट हो नीचे की तरफ आए, लिफ्ट नीचे की तरफ आए एक्सीलरेशन के से। तो तुम्हारा देखना ये नोटबुक में तुम्हारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे तो एम जी माइनस ए, तो यही जी इफेक्टिव कम ज़्यादा हुआ ना वैसे ही ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये नॉर्मल हो गया तुम्हारा एम, यहाँ पे नॉर्मल हो गया एम, ये हमने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में, स्टूडियो फोर्स में या काइनेमेटिक्स में। तो उसी तरह से बच्चे यहाँ अर्थ के रोटेशन की वजह से एम जो है वो एम जी इफेक्टिव होगा, और इस जी इफेक्टिव का नाम हमने दिया जी आर, इसलिए एट द प्लेस ऑफ एम हम पुट करेंगे एम जी आर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जैसे लिफ्ट का जी प्लस है जी माइनस है नॉर्मल हो जाता है इफेक्टिव, वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा एम जी आर। ओके सर, तो ये सब तो नोट करते जाना, यहाँ तक लिख चुके हो, ये लिख लिए और मैं इसको रब करगा। तो अब मैं एट द प्लेस ऑफ एम लिखूंगा एम जी इफेक्टिव मतलब जी आर रोटेशन एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। देखो एम कॉमन आके कट हो जाएगा, तीनों में एम है, तो हमारा जी आर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इक्वल टू हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो ये आ गया बच्ची, तुम देखो ना ये जी जो 9.8 होता है उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, मतलब कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से ठीक है जी की वैल्यू जो 9.8 होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी जो कि थीटा पे डिपेंड करेगी। अभी इसको हम और डिराइव करने वाले हैं, यहाँ तक नोट करो, ये चीज़ें आगे और लिखती हैं। अब मान लो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम था इसका नाम दे देते हैं, यहाँ ओ था सेंटर, ये ए और ये बी, ठीक है, तो मैं ओ ए बी बनाता हूँ, समझना जब तक नोट नहीं करोगे दो तीन बार लिखोगे नहीं तब तक टफ लगेगा, लेकिन दो तीन बार लिखोगे नोट करोगे पांच बार लिख लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ओ ये था तुम्हारा स्मॉल आर, ये था तुम्हारा थीटा और ये था कैपिटल आर। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ बच्चे, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन एच पाइथागोरस से, है ना, तो आर अपॉन आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। ओके बच्चे, अब ये करने से क्या फ़ायदा हुआ सर, अब ये करने से जो मेरा ये फॉर्मूला आया था इसको मैं एक स्टेप और रिड्यूस कर पाऊंगा, अब मेरा हो जाएगा जी आर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ स्मॉल आर हम लिखेंगे कैपिटल आर कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा और करने से तो हमारा फाइनल आ गया जी आर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस दो बार है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा फाइनल वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसमें मैं एग्जांपल्स करके तुम्हें दूंगा तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा कि सर क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, हाँ इसीलिए इसको एक क्लास के लिए रखा था कंप्लीटेड क्लास के लिए। इसको नोट कर लो बच्चे, ये ट्राइंगल ओ ए बी जो नाम दिया था उससे ले लिया, यहाँ पे तुम्हारा पार्टिकल था वो तुम समझ रहे हो, लिखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके सर, अब बेटा इस पे और एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखोगे ना तो तुम्हें और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि सर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे थे। ये तो डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड के लिए यूजफुल है, समझ गया, वो भी तुम्हारे इलेवेंथ में अगर ग्रेविटेशन है तो बोर्ड एग्जाम में इलेवेंथ आता नहीं, ट्वेल्थ का सिर्फ पूछते, तो ज़्यादा डेरिवेशन के लिए परेशान नहीं होते। लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला आ गया जिसको बॉक्स में लिख दिया मैंने और स्टार भी कर दिया, इसका यूज़ कैसे करना है नीट और जेई के लिए, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। तो चलो आई होप आप इसको नोट कर लिए हो, अब मैं इसके प्रॉब्लम्स कराता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और साथ ही साथ वेरिएशन इन जी विथ डिफरेंट फैक्टर्स हाइट डेप्थ रोटेशन से, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया। जैसे ही तुम स्टेट बोर्ड का बुक ओपन करोगे ना ये चारों पॉइंट तुम्हें दिखेंगे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको देखना चाहिए। अब आओ बच्चों एग्जांपल्स बताओ ना सर, तो स्पेशल केस करके या एग्जांपल्स करके मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एग्जांपल इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, याद रखना बेटा हमने थीटा लिया था कहाँ से, इक्वेटर से,
अगर यही कोई इक्वेटर से ना लेके पोल से ले ले, वर्टिकल लाइन से ले ले, तो जहाँ पे कॉस आया था ना वहाँ पे साइन आ जाएगा। कई बार बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या सर, सर आपने तो जी आर इक्वल टू सिखाया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, किसी किसी बुक में उनको मिल जाता है जी आर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हजारों बार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो वो मैसेज करेंगे सर लगता है ये मिसप्रिंट हो गया, सर यहाँ पे आपने कॉस पढ़ा दिया, किसी बुक में सर साइन स्क्वायर थीटा दिया होगा। तो बेटा ये दोनों करेक्ट हैं, समझ लो कैसे करेक्ट हैं। अगर मैंने थीटा लिया यहाँ से, कहाँ से, इक्वेटर से, तो मेरा फर्स्ट वाला करेक्ट है। किसी किसी बुक में क्या करते कि वो एंगल मेजर करते, मेरा यहाँ पार्टिकल था तो मैंने देख रहे हो इक्वेटर से थीटा लिया, कोई कोई कहाँ से ले लेते पोल वाले लाइन से वर्टिकल से, तो उसके लिए ये दूसरा वाला करेक्ट है, इसलिए दोनों करेक्ट है, समझ गया। मैक्सिमम बुक में तुमको कॉस स्क्वायर दिखेगा ये वाला, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर में डिराइव कराया, कोई एक आध बुक ये भी दे देगा साइन स्क्वायर थीटा, तो डरने का बिल्कुल नहीं, समझ गए। इसको नोट करके पहले इसी को एग्जाम्पल करके समझ लो। If we consider theta from equator, तो वहाँ पे cos square theta आएगा। लेकिन किसी ने measure किया theta from pole, pole, तो उसके sin square के जगह पे derive होके cos square के जगह पे derive होके sin square आ जाएगा। दोनों से final answer same आएगा। Final answer में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हें फिर से बोलूँ, ये वन वाला मैक्सिमम बुक में मिलेगा तुम्हें, SVT में, NCERT में, हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ये भी है। तो अगर कोई नीट का या जेई का बुक तुम देख रहे हो, वहाँ पे साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह साइन, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दोनों करेक्ट है। हम ये वाला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला। थीटा कहाँ से मेजर करेंगे, इक्वेटर से। ठीक है बेटा, हाँ ये भी रॉन्ग नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल तो आपको मैंने यही समझा के दिया, आई होप कि आप समझ गए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। दूसरा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, नोट करके लिखते जाओ। ये थीटा कहाँ से मेजर किए, इक्वेटर से। ये कहाँ से मेजर किए, पोल से। तब ये करेक्ट, जब ये वाला तो ये करेक्ट। ठीक है, ये कुछ भी कर दिया। हम कौन सा यूज करेंगे, हम कॉस स्क्वायर वाला यूज करेंगे, सारे स्टैंडर्ड बुक में यही है, मतलब इक्वेटर वाले से। ओके सर, फिर भी मैं बोल रहा, किसी बुक में तुमको साइन कॉस मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, थीटा का मेजरमेंट इक्वेटर और पोल वाला लफड़ा है, उसको अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे क्या होगा समझना, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा कि इसमें हमने लिया इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री लोगे तो यहाँ पे थीटा, जब हमने तो इक्वेटर से मेजर किया है तो थीटा जीरो तभी होगा जब तुम इक्वेटर पे आ जाओ, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे लिखोगे दैट इज पार्टिकल इज एट इक्वेटर। ओके, तो तुम्हारा जी आर क्या होगा, तो जी आर का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। जानते हो कॉस जीरो डिग्री वन होता है, यस सर, तो ये जी आर इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू वन, मतलब कि जी आर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके सर, ये जी आर की वैल्यू हो गई एट इक्वेटर, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया एट इक्वेटर, समझ गए क्या, जी आर हो गया एट इक्वेटर। फिर दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लो, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अगले एग्जाम्पल में बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब तुम जान रहे हो कि हम थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो हमारा थीटा मेजरमेंट हो रहा है फ्रॉम इक्वेटर, तो 90 डिग्री होने का मतलब ऐसे होना, हाँ सर, मतलब पार्टिकल यहाँ आना पड़ेगा, यस सर,
मतलब कि मैं लिखूंगा दैट इज पार्टिकल एट पोल्स नॉर्थ या साउथ डिग्री का। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी आर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये था ना बच्चे, यहाँ पे बेटा कॉस 90 डिग्री यूज करना होगा जिसकी वैल्यू जीरो होगी, तो लिखना होगा जी आर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इन टू जीरो, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री जीरो हो गया, जैसे लिखो ना कॉस 90 डिग्री कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इन टू जीरो, और जीरो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा जी आर इक्वल टू जी। ओके सर समझ गया, इन्हें एग्जाम्पल नोट करो, बेसिक फंडामेंटल एग्जाम्पल्स हैं, जरूरी एग्जाम्पल्स हैं, सीखना चाहिए हमें, लिखना चाहिए। लिख लिए, ओके जी आर इक्वल टू जी। अब बेटा देखो यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल सिखाता मैं तुम्हें, इन दो एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूजन सीखा, क्या पॉइंट हम, जैसे देखो तो नोट करके समझना बच्चे, मेरा जी आर आया था कहाँ पे, इक्वेटर पे, इक्वेटर, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और फिर मेरा आया जी आर कहाँ पे, पोल्स पे, वो कितना आया जी, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अभी दो एग्जांपल्स में हमने ये देखा ना बच्चे, बच्चे तुम समझना कि ये जी कितना है, ये तो 9.8 हो जाएगा, लेकिन इसमें बच्चे यहाँ पे लिखोगे तो 9.8 और इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, समझा देते हैं मैं, ये ले लेता मान लो वन, हालांकि वन नहीं आता समझना, तो ये कितना हो गया 9.01 ले लेता, तो ये हो गया 9.7। देखो तो बच्चे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही, जो कि 9.8 में रिड्यूस होगा माइनस होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी जो कि 9.8 में माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे तो 9.8 ही होगा ना, सर इसको जीरो कर दो, इसको जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ओमेगा की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है, कितनी ओमेगा की वैल्यू है कितनी आर की वैल्यू है वो अगले एग्जाम्पल में बता देता, तो जब ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट किया कुछ ना कुछ आएगा माइनस करेगा तो ये इसको रिड्यूस करेगा ना, हाँ सर, तो इसका मतलब हम ये समझ पाए फ्रॉम अब डिस्कशन इसको कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो कैसे लिखोगे, फ्रॉम मैं बोलता और समझना फिर लिखते हैं, इस दोनों एग्जांपल से वन और टू से मैं ये समझ पाया कि जी पोल पे है 9.8, यहाँ पे अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, जो 9.8 है वो है, लेकिन इक्वेटर पे 9.8 में कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो इसका मतलब कि 9.8 से लेस होगा, तो लिखो मैं क्या बोला, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is more at poles and slightly less than at equator. फिर से बोल देता, from above discussion it is clear that the value of g at poles will be slightly greater than value of g at equator due to the rotation of the earth. ये समझो बेटा, ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट था दोनों एक ही फैक्ट को, एक ही कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, और वो क्या, अर्थ का शेप भी क्या बोला कि पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी इक्वेटर पे कम होगी शेप की वजह से, ओके, और रोटेशन भी यही चीज चिल्ला के बोल रहा है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू 9.8 से कम होगी और यहाँ पे 9.8 होगी, मतलब कि इक्वेटर पे कम होगी पोल पे ज़्यादा होगी, तो ये
चार वेरिएशंस जो हमने पढ़े, विथ हाइट, विथ डेप्थ, विथ रोटेशन और विथ शेप। तो थर्ड और फोर्थ, विथ रोटेशन और विथ शेप, दोनों एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है। क्या? जी की वैल्यू शेप की वजह से और साथ ही साथ रोटेशन की वजह से पोल पे ज़्यादा होगी, और जी की वैल्यू अर्थ के शेप की वजह से और साथ ही साथ रोटेशन की वजह से, दोनों की वजह से इक्वेटर पे कम होगी। समझ गए क्या? ओके बच्चे, फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चे, अब एक बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर क्यों सिर्फ इक्वेटर और पोल पे निकाला हम लोगों ने, किसी और पॉइंट पे पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल मान लो किसी ने तुमसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे पूछ दिया, तो है क्या? ये हो गया अर्थ, ये 30 डिग्री पकड़ लो, यहाँ पे तुम्हारा पार्टिकल हो गया, कुछ नहीं। जी आर इक्वल टू क्या था? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। तो यहाँ पे लिखोगे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये जी आर इक्वल टू हो गया हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 3/4, मतलब कि ये हो गया जी माइनस 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर। ओके सर, समझ गए क्या? हाँ सर। और थीटा कुछ भी, अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री को नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ 30 डिग्री ना दे करके 45 डिग्री दे देते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे 45 करना होता, फिर यहाँ पे कॉस 30 की जगह कॉस 45 की वैल्यू लेते हैं, जो कि हो जाता है तुम्हारा 1/√2। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाता 1/√2, तो उसकी वैल्यू हो जाती 1/2, तो यहाँ पे हो जाता 1/2। देख लो, हमने 30 डिग्री के लिए भी सॉल्व कर लिया, हमने 45 के लिए भी सॉल्व कर लिया। समझ गया? नहीं सर, 60 डिग्री दे देता सर, उसको तुम खुद ही सॉल्व कर लो। यहाँ पे 60 हो गया, मतलब तुम्हारा पार्टिकल अब कितने पे है? 60 डिग्री पे है। तो cos 60 लिखोगे तो cos 60 हो जाता है 1/2, तो यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ cos 60 हो जाएगा 1/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा जी माइनस 1/4 स्क्वायर। तो ऐसे डिफरेंट थीटा के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा? ओके, देखो बेटा मैं फिर बोल रहा, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है, सामने हो नहीं तुम, तो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा कि इसको लिखो, 3-4-5 बार लिखो, ठीक है, टाइम निकालो, एक बार नोट्स बनाओ, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो कि एक रफ नोटबुक लेके लिखना शुरू करो, तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार तक तो तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर, और टाइम कम लगेगा, फर्स्ट टाइम में लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवी बार तक में तो तुमको चीज़ें याद आने लगेंगी कि ऐसे 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 था। समझ गए? क्रिस्टल क्लियर भी हो जाएगा और चीज़ें अच्छे से समझ भी जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री वाला। इसी तरह से थीटा चेंज, यही तो तीन थीटे पे आते हैं, वो आपको उन्होंने करा दिया। अब यहाँ पे एक बच्चे को आएगा कि सर आंसर हमें जनरली जो है थीटा न्यूमेरिकल ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्म में रहता है, ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्म में। लेकिन किसी बच्चे को नहीं सर, मुझे ओमेगा भी जानना है, आर भी जानना है, उसकी वैल्यू भी पुट करनी है, हालांकि वो लेनी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सिखा देता हूँ, समझो नोट करके। ओमेगा है क्या? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। देखो बेटा, याद करो तुमको मैंने पढ़ाया था ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये तुम्हें मैंने सर्कुलर मोशन के बेसिक में सिखाया था कि जैसे वी इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, वैसे ही वी यहाँ लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ लीनियर डिस्टेंस, यहाँ एंगुलर डिस्टेंस, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, ये फॉर्मूला आपके सर्कुलर मोशन में मिल जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाके देखना।
एकदम से इस फॉर्मूले का कॉपी है एंगुलर मोशन में, तो थीटा। अब अर्थ बच्चे तुम ही किसी चीज़ का एक चक्कर लगाओ तो थीटा कितना मेजर करोगे, कवर करोगे, 2 पाई, 360 डिग्री। कोई भी चीज़ जो एक चक्कर लगाती है, समझ गए, कोई भी चीज़ जो एक चक्कर लगाएगी तो उसका थीटा होगा 2 पाई, 2 पाई बोले तो 360। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 पाई हो गया, अर्थ का एक चक्कर लगाना, अर्थ का एक चक्कर लगेगा तो थीटा हो जाएगा 2 पाई। और जानते हो ना कि अर्थ को एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगता है टाइम, तो 24 आवर्स को 60 × 60 करोगे तो ये मिनट, मिनट से फिर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 24 × 60 × 60, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो ये होती है बेटा अर्थ के ओमेगा की वैल्यू, समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा, और तुम्हारा बार बार आता था ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा मिल गया, इसका स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर आ गया। और आर तो तुम जानते ही हो 6400 किलोमीटर होता है ना, तो इसको तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे, ऐसा यूनिट है, तो 6400 किलोमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये मीटर हो जाता। जीरो देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 64 × 10⁵ मीटर, ये हो गया ओमेगा की वैल्यू, ये हो गई आर की वैल्यू। तो तुम इस फॉर्मूले में जी आर इक्वल टू, अगर कभी जरूरत पड़ी, जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा की भी वैल्यू अब तुम जानते हो, आर की भी वैल्यू जानते हो, इसकी भी वैल्यू जानते हो 9.8, और ये थीटा जो देंगे उसकी वैल्यू रखोगे तो ये सॉल्व होकर हमारा आंसर आ जाएगा। बट जनरली ओमेगा स्क्वायर आर नहीं देते, उसी के टर्म में आंसर देते हैं, क्योंकि इसको पुट करके सॉल्व करना कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो 1 मिनट ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें नीट में 1 ही मिनट मिलता, जेई के बच्चों को दे देते हैं क्योंकि उनको 1 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाऊंगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, ये थर्ड लेक्चर है, पहले में मैंने आपको सिखाया एफ इक्वल टू जी m1 m2/r2, फिर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की, जी का डेरिवेशन किया, उसके 4 वेरिएशन होते हैं, विथ हाइट, विथ डेप्थ, वो पिछले क्लास तक हो गया था, शेप ऑफ अर्थ 4th वाला वो भी करा दिया, और ये आज 3rd लेक्चर में मैंने आपको ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ करा दिया। तो यहाँ पे आप करके जी में वेरिएशन वाला कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल्स करा देता आज के क्लास में, और कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता जी पे, और आज हम जी को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चालू करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जी को हम शट डाउन कर देंगे, रोक देंगे, समझ गए, ओके, ठीक है। अब आज नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो क्या है सर, आ देखते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट ग्रेविटेशन हो गया हमारा, ग्रेविटेशन में जी वाली बातें आ गई। अब जी पे कुछ एक एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है, जो पूछे जाते हैं, क्या सर, देखना बच्चे, ये जो अब एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, एग्जांपल्स मतलब एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, ये नीट में, जेई में, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो सर आ गया तो अब हमारे को थोड़े आएगा, नहीं बेटा, ये इतनी बार रिपीट कर किया जा चुका है क्वेश्चंस, इतने हर 2-3 साल में रिपीट कर देते, इतने पॉपुलर कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ 4-5 ऐसे एमसीक्यूज। पहला एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो पूछेंगे फाइंड द हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार कर लो, ये नीट में आया है, जेई में भी आया है, स्टेट बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड में पूछा जा चुका है, अक्सर पूछते रहते हैं, जैसा मैंने बताया, वो है क्या, फाइंड द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट वेयर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट
becomes half as weight on the find height of the particle where weight of the particle becomes half as weight on the surface of earth. इस क्वेश्चन को समझना बेटा, मैं कहाँ ये कई बार रिपीट कर चुके हैं. क्या सर? ये देखो, ये मेरा अर्थ हो गया. यहाँ पे मैंने रखा है, तो तुम जानते हो यहाँ पे इसका वेट, वेट बोले तो जो नेट फोर्स होगा या एन समझ लो, वो तुम्हारा एम जी इफेक्टिव होता है, तो यहाँ एम जी होगा. लेकिन इसको तुम लेकर के ऊपर चले गए तो कितने हाइट पे, मान लो हाइट एच लेकर चले गए, तो इस जगह पे ले जाओ कि अब इसका जो वेट है, वेट यहाँ पे वेट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, वो हाफ ऑफ, तो यहाँ तुम लिखोगे एम जी बाई टू. लिखोगे ना इक्वेशन, क्वेश्चन है कि उस हाइट पे हमें यहाँ पे ये हाइट फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, हाइट फाइंड. देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ. तुम सरफेस पे हो, मान लो तुम्हारा वेट हो गया यहाँ पे 60 kg. ओके सर, 60 kg. अब तुमको ऊपर लेकर जाएंगे, तुम जानते हो कि हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो और एकदम इनफाइनाइट पे चले जाओगे, मतलब स्पेस में चले जाओगे, तो वेटलेस हो जाओगे, क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू जीरो हो जाती है. तो तुम सरफेस पे हो 60 kg के, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तुम हल्के होते जाओगे, कम होते जाओगे वेट में, तो एक ऐसा हाइट आएगा ना जहाँ पे जाके तुम्हारी वेट हाफ हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. 60 के थे, अब 30 kg हो गया, तो कितने हाइट पे जाके तुम्हारा वेट हाफ हो जाएगा. क्वेश्चन समझ गया, मतलब पहले तुम एम जी थे, अब एम जी बाई टू हो जाओगे. तो देखो ये तो जी हो गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जी बाई टू हो गया जी एच. समझ गया, तो जी एच वाला फॉर्मूला यूज करो. ऑब्वियस है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाइट जाना होगा, वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा. तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा होने पे सर पे सर ने फॉर्मूला सिखाया था 1/h/r का होल स्क्वायर. ओके, जी एच की जगह पे सर लिखेंगे जी बाई टू. क्यों? क्योंकि जी बाई टू होगा तभी तो तुम्हारा वेट हाफ होगा. यहाँ जी हो गया, यहाँ 1+h/r का होल स्क्वायर. तो जी से जी कट हो गया बच्चे, हमारा बच गया 1/2 = 1/1+h/r का होल स्क्वायर. ये इधर ले जाओ, तो 1+h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर क्रॉस, तो यहाँ 2 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर है 2, तो 1/1+h/r = √2. तो h/r इक्वल टू हो जाएगा √2, ये इधर गया माइनस 1, मतलब कि h इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1 r. ये देख लो बच्चे, ये स्टार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन h = √2 - 1 कई बार पूछा गया है और तुम्हें भी पूछा जाएगा. ठीक है ना, इसको समझ लो कितने हाइट पे √2 - 1. तो ऐसे समझो ना, √2 की वैल्यू होती है 1.4 अप्रॉक्स, माइनस 1 मतलब 0.4, ये आर है 0.4 r, मतलब कि इतने और इजी करता है इसको 0.4 × r = 0. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इतने किलोमीटर पे जाओगे तो तुम्हारा वेट हाफ हो जाएगा जो अर्थ पे था. समझ गए, हाफ वाला ही बार बार पूछा गया है, बिकम्स हाफ. लेकिन मान लो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, हाफ की जगह ना पूछते, हाफ की जगह पे बोल देते 1/4, तो कैसे सॉल्व करते? तो फिर वही सारी बातें समझ में आ गया सर, इस बार हाइट निकालनी है जहाँ पे 1/4 हो जाए. सर 4 times हो जाए, 4 times नहीं होगा बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऊपर जाओगे तो कम ही होगा. पहले हाफ ऑफ तुम 1/4, तो मतलब सिंपल जी एच इक्वल टू लिखना जी 1+h/r का होल स्क्वायर.
तो यहाँ जी एच की जगह पे जी बाई फोर, वन फोर्थ हो गया ना, तो जी बाई फोर, यहाँ जी वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, जी से जी कट हो गया तो यहाँ हो जाएगा फोर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो तो फोर का रूट टू, यहाँ पे वन प्लस एच बाई आर, तो तुम्हारा हो जाएगा एच बाई आर इक्वल टू टू माइनस वन, मतलब वन, मतलब एच इक्वल टू आर, मतलब कि तुम अर्थ की रेडियस के बराबर अगर हाइट में चले गए 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर ऊपर जाओगे, तो अगर तुम यहाँ पे हो 60 केजी के, तो वहाँ पे 60/4 15 किलो के हो जाओगे। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ गया। तो ऐसे यहाँ पे 1/4, 1/2, इस तरह 1/3 कुछ भी करके पूछेंगे, फॉर्मूला ये होगा लगेगा, आपने मेरे को सॉल्व करना होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा पॉपुलर एग्जांपल है, वो भी बताता, नोट करते जाओ, ये समझ गए ना बच्चे। मान लो यहाँ पे 1/8 कर देते तो क्या करते, तो यहाँ पे 1/8 कर लेते, सॉल्व करते, आंसर आ जाता। ये तो मैंने 1/4 के लिए बताया है, यहाँ पे 4 ही रखो, लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है, ओके। अगले एग्जांपल पे चलते बच्चों, अगला एग्जांपल क्या है सर? देखो अभी मैंने तुम्हें ओमेगा अर्थ का बताया था ना, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी होता है 2π डिवाइडेड बाय 24 × 60 × 60, बताया था ना, 24 घंटे का है तब ओमेगा। ये बेटा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर स्टार कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा अभी, हर एक दो साल तीन साल में रिपीट करते ये क्वेश्चन, पिछले भी मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी ढूंढोगे तो कई बार मिलेगा। क्या सर बताओ ना, बोलते ये अर्थ है, अर्थ बना दो, ओके, ये पोल हो गया, ये इक्वेटर पे एक पार्टिकल इक्वेटर पे है, बोले ये ओमेगा, ओके। तो यहाँ पे जो तुम्हारा जी था, जी आर एट इक्वेटर, वो था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ सर था। बोलते हैं कि ये ओमेगा बढ़ाना शुरू कर दो, हम ह्यूमेंस अर्थ का ओमेगा थोड़ी बढ़ा सकते, अर्थ 24 घंटे में चक्कर लगाता है तो 24 घंटे में चक्कर लगाएगा, लेकिन बोल रहे नहीं, आप में आप गॉड बन गए, आप भगवान हो गए, ईश्वर हो गए, अल्लाह हो गए, क्या अब आपको ओमेगा चेंज करने की पावर आ गई, तो ओमेगा इतना फास्ट कर दो, ओमेगा इतना तेज कर दो कि ये जी आर की वैल्यू एट इक्वेटर जीरो हो जाए। समझ गए? फिर से पूछते हैं, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, न्यू लिख दो तो तुम्हें और अच्छे से, न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सो दैट पार्टिकल एट इक्वेटर बिकम्स बिकम्स वेटलेस, वेटलेस होने का मतलब दैट इज जी एट इक्वेटर जीरो, क्योंकि देखो ना अगर तुम्हारा वेट क्या होता है, एम जी वेट ही होता है ना, अगर तुम्हारा जी जीरो हो जाए तो तुम्हारा वेटलेस हो जाएगा, एम जी जीरो, मतलब कि अब ओमेगा इतना फास्ट कर दो, तुम गॉड बन गए, ओमेगा अर्थ का इतना ज़्यादा कर दो कि इक्वेटर पे तुम्हारा वेट कितना हो जाए, जीरो। तो इसका सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों में क्या करता, अर्थ को इतना फास्ट रोटेट करा दीजिए आप गॉड बन गए, इतना जैसे वो नहीं ग्लोब होता जो हम स्कूल वगैरह में देखते थे या घर पे रखते थे, तो उसको तुम रोटेट करा सकते ना, तो सोचो वैसे ही तुम एकदम अर्थ को रोटेट इतना तेज रोटेट कराओ कि इक्वेटर पे जीरो हो जाए, तो जी आर एट इक्वेटर जीरो होना, इक्वेटर जीरो होना, दैट मीन्स जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो होना, यस सर, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी होना, यस सर, मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा जी अपॉन आर होना, यस सर, मतलब नया वाला ओमेगा होना जी अपॉन। तो अगर नए वाले ओमेगा न्यू जी अपॉन आर कर दे रूट अंडर,
तो अर्थ बहुत फास्ट मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से एट इक्वेटर और कहीं नहीं इक्वेटर पे तुम वेटलेस हो जाओगे, मतलब तुम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जितना एम जी लगा उतना एम ओमेगा स्क्वायर आर लग गया, कैंसल आउट हो गया, तुम फ्री हो गए वेटलेस जैसे स्पेस में हो जाते वैसे। समझ में आया बच्चों? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स को देखो, समझो, लिखो। देखो बेटा, ऐसे तो जब हम सामने क्लास करते थे तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि पांच बार लिखने का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो एक बात तो वीडियो देख देख के नोट्स बनाने में तकलीफ़ आएगी, टाइम भी लगेगा, तो एक बार वीडियो देखो और फर्स्ट टाइम वाला नोट्स जितना समझ में आए उतना ही लिखो। तुम्हें एक तरीका बताता मैं, सुनो मेरी बात। क्या करो, लेक्चर देखते जाओ नोटबुक में, 20%, 25, 50, 60, 80, 100 कितना आता है समझ में, उस पर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है तो उसको लिखते जाओ, देख देख के नोट्स बनाते जाओ। तो पहला बार जब नोट्स बनाओगे उसमें हो सके 50% चीज़ें तुमको समझ में आ जाए, लेकिन नोट्स बन गया। अब क्या करो, अपने नोट्स को लो और उस नोट्स को एक रफ नोटबुक पे लिखना चालू करो, देख देख के, और जल्दी जल्दी रफ नोटबुक पे जल्दी करना, तो नेक्स्ट में और 25 समझ में आ जाएगा। इस तरह से तुम दो तीन बार रफ नोटबुक पे लिखोगे तो टोटल 5 टाइम्स होने से पहले ही दूसरे तीसरे चौथे तक में ही तुम ये चीज़ें 100% समझ में आ जाएंगी। समझ गया? मैं समझता हूँ वीडियो लेक्चर को देख देख के लिखना नोट्स बनाना शुरू में तकलीफ रहती, लेकिन नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं और उसको फिर दो तीन बार रफ नोटबुक पे पांच बार तक नहीं लिखोगे, तब तक एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। ग्रेविटेशन एक स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, कहा जाता है कि ये स्कोर करके इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा नीट और जेई में, कभी दो भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। और ये मुफ्त का नंबर है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, सिर्फ फॉर्मूला रखा आंसर आ गया। मतलब ये काइनेमेटिक्स से लोग बोलते हैं, जो बच्चे रिजल्ट दे कर गए हैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, जलगाँव में, पुणे में, मुंबई में, वो सब बच्चे बताते कि सर ये वाला चैप्टर काइनेमेटिक्स में तो 5 फॉर्मूलों को सेट करना पड़ता था, ये तो इतना सिंपल होता है, सीधे सीधे क्लिक होने लगता है। अच्छा, तो इसको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करें, ये स्कोरिंग चैप्टर है, नंबर तुमको देगा नीट और जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। यहाँ पे बच्चे हमारा एक ओवरऑल आकर के कितना बोलोगे जी के बारे में, देखो एक यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ कि हमने क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने पढ़ा लिखते जाना, ये क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर दूसरा मैंने तुम्हें पढ़ाया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डेरिवेशन किया हम लोगों ने, स्मॉल जी पढ़ लिया। फिर तीसरा हमने पढ़ा वेरिएशन इन जी विथ, तीन वाले में 4 थे, कौन से थे, हाइट विथ हाइट, फिर दूसरा डेप, तीसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, चौथा शेप ऑफ अर्थ। तो इतनी बातें हमने कर ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर 4 ABCD कर दो सी डी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये फोर्थ पॉइंट होगा जो कि मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये एकदम अलग से दुनिया हो जाएगी। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखना, पहले वाले में लिखा मैंने सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एंड करके जो है लिखा उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ एनर्जी भी ऐड किया। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को GP और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को GPE। मतलब हम पढ़ने वाले हैं GP एंड GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ के बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, जीपी एंड जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये हम नेक्स्ट क्लास, ये तीन हो गए हमारे डबल क्लिक, इस पे रुक गए हम, ये अगले वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ओके बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, होगा समझ में चीज़ें आ रही होंगी, कैसे आपको करना है, नोट्स बनाना है वो भी समझाया। पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चे, बाय, टेक केयर। Thank you.